हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप अपने मोबाइल के डायल पैड पे आप अपनी खुद की फ़ोटो लगा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे आप अपने जो चाहें वो फ़ोटो को लगा सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटा सा ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसको किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले हमको वो यहाँ से बैक आ जाना। मैंने उस ऐप को इंस्टॉल करके रखा हुआ है, देख सकते हैं आप कि आपको जिस प्रकार से यहाँ पे इंटरफेस है फ़ोन का, उसी प्रकार से कुछ यहाँ पे इंटरफेस आपको दिख रहा है फ़ोन। तो इसको हमको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमको कुछ ऐसा डायल पैड टाइप का इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन रहेगा, सेटिंग का इंटरफेस रहेगा। उसके बाद से आपको इन तीन थ्री डॉट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ आपको सेटिंग का ऑप्शन खुलेगा। सेटिंग का ऑप्शन खुलने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे पर्सनलाइज सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन फॉन्ट स्टाइल पे जाना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा, कुछ समय तक आपको लोड लेगा। लोड लेने के बाद आप अपन चाहें तो अपना फॉन्ट स्टाइल को चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद बैक आना है। बैक आने के बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा डायल पैड बैकग्राउंड का, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ आपको यहाँ पे गैलरी में जाना है। गैलरी में जैसे ही आप जाइएगा, यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पे आपको जाके अपने फ़ोटो को आप अपने हिसाब से इसे क्रॉप करके और इसको लगा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं बैक में जाके मेरे डायल पैड पे ये फ़ोटो आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़, अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे चुका हूँ, उस वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और जिस प्रकार से मैंने इसकी सेटिंग की, वैसे सेटिंग कर आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।